संसद में घुसपैठ के आरोपियों के बारे में बहुत बड़ी बात सामने आई है। वो लोग जिस आइडियोलॉजी यानी विचारधारा की बात कर रहे थे, उन्हें खुद उसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं पता। सूत्रों का दावा है कि पुलिस पूछताछ में आरोपी अपनी ही आइडियोलॉजी के बारे में ज्यादा डिटेल नहीं बता सके। शुरू में सभी आरोपी खुद को क्रांतिकारी बता रहे थे। उनका कहना था कि देश में बढ़ती बेरोजगारी, मणिपुर मुद्दा और अन्य समस्याओं पर सरकार को जगाने के लिए उन्होंने संसद में घुसपैठ की थी। साथ ही कह रहे थे कि भगत सिंह उनके प्रेरणा स्रोत हैं। यही नहीं, ये भी कह रहे थे कि भगत सिंह के 1929 के असेंबली बम कांड से प्रेरित होकर उन्होंने संसद में घुसपैठ की। लेकिन अब जब ये बात सामने आई है कि उन्हें खुद अपनी आइडियोलॉजी के बारे में ज्यादा नहीं पता, तब जांच एजेंसियां उनके पीछे किसी अन्य का हाथ होने की आशंका जता रही हैं। हालांकि घटना के बाद से ही लगातार ये सवाल उठता रहा है कि कहीं इन आरोपियों के पीछे किसी अन्य व्यक्ति या संगठन का हाथ तो नहीं। बता दें कि 13 दिसंबर को हुए संसद कांड के बाद मनोरंजन डी, सागर शर्मा, अमोल शिंदे, नीलम, ललित झा और महेश को गिरफ्तार किया गया है। सभी पुलिस रिमांड में हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है। इस केस में अब सभी के मोबाइल के पार्ट्स राजस्थान के नौगौर से बरामद किए गए हैं। इन सभी पार्ट्स को ललित झा की निशानदेही पर बरामद किया गया है। ललित झा के पास सभी आरोपियों के फोन मौजूद थे। सरेंडर से पहले उसने सबके फोन तोड़े और उसके बाद आग लगा दी। ललित झा को इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। ललित पूरे कांड के दौरान संसद भवन से बाहर मौजूद था और सभी के फोन लेकर भाग गया था। कांड के अगले दिन उसने सरेंडर कर दिया। अब फोन से मिले पार्ट्स की फॉरेंसिक जांच की जाएगी। इस पूरे प्रकरण में एक और जांच एजेंसियां पूरी पड़ताल में लगी हैं, वहीं राजनीति भी जमकर हो रही है। इस मुद्दे पर कई बार संसद की कार्यवाही बाधित हो चुकी है। विपक्ष के तमाम नेता इस मसले पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं अलग अलग मंचों पर गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी इस मुद्दे पर विपक्ष से राजनीति नहीं करने की अपील भी कर चुके हैं। बता दें कि संसद पे हमले की 22वीं बरसी के दिन संसद के अंदर दो युवकों ने घुसपैठ की और संसद की कार्यवाही के समय सदन में कूद गए। उन्होंने स्मोक कैंडल से पीला धुआं फैलाया। वहीं दूसरी ओर उनके दो साथियों अमोल शिंदे और नीलम ने संसद के बाहर धुआं फैलाकर नारेबाजी की थी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्दी नया वीडियो लेकर आपके सामने फिर आएंगे। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, जाने से पहले सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल न्यूज नेशन को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए न्यूज नेशन के साथ।